हमको बोलते कि हम वोट काटने आए हैं, हमको कहते हैं कि हम बीजेपी को जिताते हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दो। और मैं अमूर की जनता के सामने खुलकर कह रहा हूं, अपनी माँ और बहनों के सामने, मेरी माँ और बहनों सुनो, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, राजद और कांग्रेस किशनगंज को छोड़कर कितनी सीट पर जीती? हम तो नहीं लड़े, लड़े किशनगंज क्यों जीते? क्योंकि अख्तर अली मान 3 लाख वोट लिए, जेडीयू 3.25 लिया और 3.5 लाख कांग्रेस ली। अगर मजलिस नहीं लड़ती तो वो भी सीट टाइट हो जाती। अब हमको पूछते हैं, बताओ कांग्रेसियों तुम्हारा वोट कहां गया? फिरका परस हम नहीं, मस्जिद की जगह पर शिलान्यास किया गया तो कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो किसने कहा था, किसने कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इज्जत करते हैं मगर वो आस्था की बुनियाद पर है? कांग्रेस ने कहा था, हमने कहा था। अब जब मस्जिद का फैसला हार गए तो किसने ईंटें बिजाई? कांग्रेस के कमलनाथ ने ईंटें बिजाई। किसने मुबारकबाद का पैगाम दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हम फिर खबरस्त और हमारे बारे में कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती बातें करता है। अरे मेरी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। तुमने 70 साल से सरजमीन पर बसने वालों को इंसान नहीं समझा, जानवरों से ज्यादा तुमने इनसे बुरा सलूक किया है। जब पटना में, जब नालंदा में, दरभंगा में एयरपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बन सकता है तो फिर सीमांचल में क्यों नहीं बन सकता? आपको मालूम, आपको मालूम मेरे भाई अमूर में कितने बच्चे तालीम याफ्ता है? बताओ कितने बच्चे तालीम याफ्ता है? पूरे बिहार में 52% 50% के ऊपर है, यहां अमूर में खाली 35%। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जिसको तुमने वोट किया, 5 बार का विधायक बनाया, वो काम नहीं कर सके। और हमसे कहते हैं कि जज्बाती बात करता है। अरे मैं जज्बात इसलिए आता करता हूं क्योंकि ये गरीब जनता की नाइंसाफी, इन पर जो जुल्म होगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 साल से आपने, 30 साल आपने मीठी मीठी बातें कर करके अमूर की जनता को, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ के विधानसभा में कोई काम नहीं किया। अब मीठी मीठी बातें नहीं होगी, अब सच्चाई की बात होगी, तल पुख्तगी होगी और हक की बात होगी इंशाअल्लाह।